Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। वन न्यू पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और वन डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो आंकड़ा है 12 पर। कोई डेटा शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। एक तरफ कोविड 19 अगर कंट्रोल में नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार और काफी सारे लोग परेशान हैं बढ़ते हुए डेंगू केसेस पर। आमतौर पर डेंगू को इतनी ही घातक बीमारी नहीं समझते, लेकिन इस बार के लिए डेंगू काफी आम हो चुका है। कर्नाटका गवर्नमेंट इस पर काफी तौर पर वर्क कर रही है। पिछली बार के डेटा को अगर हम मेंशन करें तो 84% राइज हो चुका है डेंगू का। स्टेट के अंदर 2988 केसेस डेंगू के आए हैं सितंबर में। अब तक इस साल की अगर बात करें तो टोटल केसेस डेंगू के 2987 के करीब आए हैं। बेवक्त जो बारिश होती जा रही है उसकी वजह से भी कई सारे नए केसेस भी रजिस्टर हुए हैं नवंबर के महीने में भी। तो आप सब भी अपने आसपास कोई ठहरा हुआ पानी ना रखें और डेंगू के जो सारे मामले हैं उससे एहतियात करें। प्रदीप सिन्हा जो कि मैसूर के MP हैं, उन्होंने प्रियंका खड़गे के रिलेटेड काफ़ी ऐसे शब्द कहे जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट करने की नौबत आ चुकी है। जी हाँ, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ गुलबर्गा शहर के अंदर, जहां पर प्रताप सेना के ऊपर ये मामला किया गया और उनके पुतले को जलाया भी गया। आज जो गुलबर्गे में स्ट्राइक रखा गया था, जगत से लेके सीमापुरी चौक तक मेरुनगी निकाली गई है, ये वजह क्या था? मैसूर का एक MP है जिसका नाम प्रताप सिन्हा है, वो मैसूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक बड़ा पोस्ट पे है। ये बड़ा पोस्ट के रहने के बाद जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है हमारे श्री प्रियंका खड़गे साहब के अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में हमने एक बहुत बड़ा रैली रखा गया था इधर। प्रियंका साहब के जितने भी फैंस, फॉलोवर्स एंड वेल विशर्स है, सब लोग आए थे और सब लोग ने अच्छी तरह से प्रोटेस्ट किया। मैं उन सबको, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कुछ बताना चाहते थे कि जेंडर चेंज करके उन्होंने कुछ ऐसे तरीके से बात करने की कोशिश की, बताना की कोशिश की कि ये नाम फीमेल का है या मेल का है। ये बहुत बड़ी गलती की है उन्होंने, और एक MP होने के हिसाब से उनको ये बात शोभा नहीं देता MP का, और ये पॉलिटिकल कल्चर में ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक तरफ PM मोदी ने तीनों लॉ को वापस लिया है जो फार्मर्स रिलेटेड थे, अब मुस्लिम लीडर्स की ये मामला चल रहा है कि CAA को भी विड्रॉ करें, सेंटर से अपील की जा रही है। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी प्रेसिडेंट जमात इस्लाम हिंद ने कहा कि हम सरकार से अर्ज करते हैं कि अब वो एंटी पीपल एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो CAA NRC है उसे भी विड्रॉ कर दें जितना जल्दी हो सके। प्राइम मिनिस्टर के हाल ही में आए हुए फैसले से वो काफ़ी खुश हैं और तकरीबन लोग इससे खुश हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे मामले और ऐसे लॉज को जल्द से निकाला जाए। मौलाना तारिक जमील इस्लाम में काफ़ी बड़े वो स्कॉलर हैं और व्हाट्सएप पे ये इमेजेस काफ़ी वायरल हैं जहां पर बताया जा रहा है कि उनका कार का एक्सीडेंट हो चुका है। ये खबर की अगर बात माने तो ये खबर बिल्कुल फेक है, तारिक जमील साहब वो नहीं है। 2 साल पहले के पुराने फोटोज हैं जो वायरल होते जा रहे हैं और इस पर तारिक जमील साहब ने ट्विटर पर इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है। आखिर में हम बात करने हैं वर्ल्ड पाइल्स डे का कैंप के बारे में, जो डॉक्टर PS राव आपके लिए ला रहे हैं स्पेशल कैंप। याद रखिए, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं या आपके आसपास के लोग इससे कुछ जूझ रहे हैं तो ये कैंप आपके लिए है। यहाँ पर फ्री कैंप, फ्री कंसल्टेशन है और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर डॉक्टर PS राव दे रहे हैं। इस पर नज़र डालते हैं कि ये मामला क्या है। सुबह 10 से लेकर शाम तक ये कैंप चलने वाला है, स्टेशन 1 वे रोड पर है, तो प्लीज़ आप भी जाएँ और अपना चेकअप कराएँ। तो सबसे पहले जो वर्ड पाइल्स है, डेफिनेटली बहुत बुरा चीज़ है, और इनफैक्ट पाइल्स को संस्कृत में हम अर्शस बोलते हैं। अर्शस मतलब एनिमी, शत्रु, दुश्मन। जैसे कि लगो आपको दुश्मन आपके पीछे लग गया, बीमारी पीछे ही आता है। तो अब द पॉइंट ये है कि वर्ल्ड पाइल्स डे के वक्त हम नॉट ओनली पाइल्स, क्योंकि होता क्या है कभी भी हम वर्ड हम पाइल्स यूज़ करते हैं तो सोचते हैं कि ये सिर्फ पाइल्स ही है, बवासीर ही है, मूलेवादी है, मगर ऑलवेज यूजुअली
कभी भी उस जगह पर पैखाने की जगह पर कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी सूजन हो, हम पाइल्स ही बोलते हैं, जो कि बहुत गलत है। कोई भी सूजन उस जगह पर पाइल्स ही होना ज़रूरी नहीं है, दूसरे बीमारी भी हो सकते हैं। तो इस अवेयरनेस कैंप में हम इन चीज़ों को हम और क्लेरिफाई करने वाले हैं कि ये चीज़ होता क्या है, ये पाइल्स वर्ड में एक्चुअल क्या होता है। और इस कैंप में मेरे साथ और भी गुलबर्गा के जाने माने डॉक्टर ज्वाइन होने वाले हैं, और ये कैंप जहाँ पर हो रहा है इसका मैं एड्रेस आपको मैं बता दूँ, जो कि तिम्मापुरी सर्कल से रेलवे स्टेशन को जाने वाली वन वे रोड पर है, राइट साइड पर। आपको 21st संडे के दिन वहाँ पर आपको कैंप के बैनर्स और टेंट भी आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पर आकर आप अपना जनरल चेकअप भी, जैसे कि आपको अगर डाउट है कि उस जगह पे आपको कुछ तकलीफ़ हो रही है, आपको सिर्फ क्लैरिफाई करना है कि ये चीज़ है क्या। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि लाइक डिसीज पेशेंट ही आके चेकअप करवाए, प्रिवेंशन मेजर में भी आप आके चेकअप करवा सकते हैं, आपको कुछ तकलीफ़ें हैं वगैरह। तो आप प्लीज़ आकर इस कैंप का आप भरपूर लाभ उठाएं, और मैं इसी तरह के और कैंप्स वगैरह अरेंज करके मैं और जितने भी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं हम आगे अभी जारी रखेंगे। थैंक यू। याद रखिए, ये वर्ल्ड पाइल्स डे कैंप के अंदर कई सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे जो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालें ताकि इसका रिप्लाई आपको मिल सके। अगर आप विजिट करना चाह रहे हो तो एड्रेस है रहीम प्लाजा, वन वे रेलवे स्टेशन, नियर SVP चौक, कलबुर्गी। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार। फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।